पूछने का तरीका जो है क्वेश्चन का वो चेंज, क्वेश्चन इजी है लेकिन तरीका जो पूछ जो रहा है घुमा के और पैसेज बहुत टफ। किस लेवल का क्वेश्चन था? लेवल मॉडरेट था। अच्छा कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन किस टाइप से था? सर साइंस में, सर लैंग्वेज में जो है वो दोनों पेपर थोड़ा मॉडरेट था, ज़्यादा ये था। बिल्कुल। उम्र कितना होगा आपका? अब जितनी उम्र है आपके सामने खड़े हैं तो अब बता सकते हैं ना। हाँ तो इस उम्र में एग्जाम देने का मतलब? 70 साल में भी दे सकता है आदमी, दिक्कत नहीं, अपनी इच्छा है परीक्षा देना, रुचि आ रहा है। क्या नाम है हुआ आपका? रंजीत। कैसा एग्जाम गया? ठीक गया है। किस लेवल का एक क्वेश्चन? ठीक ठाक था। ठीक ठाक था। कुछ क्वेश्चन बताइए ना आप लोग, कोई देश से जुड़ा हुआ किसी तरह का क्वेश्चन जो बताइए। जो उसमें जो है संविधान से क्वेश्चन था। अच्छा, पैराग्राफ कैसा था? मिला जुला के ठीक था। मिला जुला के ठीक था। एग्जाम मिला जुला के गया आपका? जी। कि बढ़िया गया है? बढ़िया गया है। बढ़िया गया है तो कह रहे हैं मिला जुला के गया है ना, उसमें हमको थोड़ा संस्कृत में गड़बड़ाया था। संस्कृत गड़बड़ाया है। क्वालिफाई होइएगा कि नहीं? जी आ जाएगा। आ जाएगा। चलिए, कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा गया। किस लेवल का था? लेवल जो है इजी टू मॉडरेट बोलिएगा इसको। अच्छा, इजी टू मॉडरेट। सोशल साइंस का हमारा सब्जेक्ट था पेपर टू, तो वो मॉडरेट टू हाई था। अच्छा, मैथ किस लेवल? मैथ नहीं, सोशल साइंस से। आप सोशल साइंस मॉडरेट टू हार्ड। जीन प्याजे सीडीपी से कैसा क्वेश्चन? हाँ, जीन प्याजे सब था, वायगोस्तिकी कोहलवर्ग सब था। अब पैराग्राफ किस तरह का था? पैराग्राफ जो है संस्कृत का थोड़ा कठिन था। हिंदी का जो आता है पेडागोजी किस टाइप का था? हिंदी का बहुत इजी था, सीडीपी सब एकदम खिलौना था, वो सब कुछ नहीं था, एकदम खेल के आए खिलौना। हाँ पूरा बहुत। चलिए, कितना आना चाहिए नंबर इस बार? 100+ रहेगा। 100+ नंबर। ऑलरेडी जॉब में है, दे रहे हैं एग्जाम। अच्छा, कौन से जॉब में? प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर। जी जी। कैसा गया एग्जाम आपका? ओवरऑल ठीक था, अभी कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि टफ किया है। पूछने का तरीका जो है क्वेश्चन का वो चेंज, क्वेश्चन इजी है लेकिन तरीका जो पूछ जो रहा है घुमा के और पैसेज बहुत टफ किया है। पेडागोजी भी टफ था? पेडागोजी सीडीपी सही है। सीडीपी सही, सीडीपी ठीक है। हिंदी का पैसेज ठीक है, जो पोएट्री पूछ रहा है। पेडागोजी हिंदी का कैसा है? हाँ वो ठीक था। मैथ या साइंस? साइंस है। हम साइंस थे। ओ, मैथ किस तरह का था? मैथ भी ठीक है क्योंकि पहले जो था ज़्यादा बनाने के लिए आता था। अच्छा। इस बार पैडागोगी ज़्यादा था इसलिए हमको आसान लगा है पहले से। अच्छा अच्छा, तो अभी इस बार अच्छा गया है कि नहीं? पहले से इस बार बेहतर गया। बेहतर गया, पहले था। क्वालिफाई हो जाइएगा ना? हम पहले से क्वालिफाई है ऑलरेडी, पेपर वन पेपर टू दोनों में। हम अच्छा, कुछ मार्क्स इंक्रीज करने के लिए हम दोबारा दिए हैं 6-8 पेपर। चलिए, आपको बधाई हो। और लोग है, कैसा गया एग्जाम आपका? आपका चाय भाग रहे हैं। आपका चैनल का नाम? कैसा गया एग्जाम आपका? सब्सक्राइब करेंगे बताइए ना। काहे भाग रहे हैं आप लोग? बताइए नहीं रहे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम दे के निकले अभी, और बहुत अभ्यर्थी आ रहे हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं, बता नहीं पाते उस तरह का जो कि पूरा एनालिसिस पेपर का किया जाए। कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा गया एग्जाम। किस लेवल का क्वेश्चन था? लेवल मॉडरेट था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन किस टाइप से था? सर साइंस में, सर लैंग्वेज में जो है वो दोनों पेपर थोड़ा मॉडरेट था, ज़्यादा ये था। अच्छा अच्छा, तो हिंदी का पेडागोजी किस टाइप का था? हिंदी का पेडागोजी ठीक था। अब में थोड़ा सा डिफिकल्टी था उसमें, ग्रामर ज़्यादा था। ग्रामर ज़्यादा? ग्रामर तो ऐसे भी रहता ही है, 7 नंबर 8 नंबर का ग्रामर रहता है। अच्छा। लेकिन उसमें जो एकदम डीपली पढ़ा होगा उससे अच्छा बन गया। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ना? जी। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं? हाँ, मॉडरेट। मॉडरेट था? जी जी। इजी था? नहीं, मॉडरेट। मॉडरेट था। चलिए, लेकिन नहीं, ऐसा ही पेपर होना चाहिए। पेपर बिल्कुल सही था, नहीं मॉडरेट भी नहीं था, इजी भी नहीं था। आप एग्जाम दे के आए? हाँ हाँ। आप भी एग्जाम? हाँ बिल्कुल। उम्र कितना होगा आपका? अब जितनी उम्र है आपके सामने खड़े हैं तो अब बता सकते हैं ना। हाँ, तो इस उम्र में एग्जाम देने का मतलब? 70 साल में भी दे सकता है आदमी, दिक्कत नहीं, अपनी इच्छा है परीक्षा देना, रुचि है। अच्छा अच्छा। हाँ रुचि है। आपका नाम क्या हुआ? एम ए की भी परीक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो तो रुचि है। संजय जी, मेरा संजय जी है। संजय जी, संजय जी। तो कहाँ से बी एड की हुई है आप? डीएलएड की है। डीएलएड किए हुए? कब? NIUSA की? नहीं, वो रेगुलर से। रेगुलर से किए हुए? तो इस उम्र में देने का आपका तो क्या बनता? अपनी इच्छा है सर, और भी दे सकते हैं, कोई नेट भी देते हैं। अच्छा, इच्छा है परीक्षा देने की। चलिए, कितना बार, कितना एग्जाम क्वालिफाई किया? जितना बार हो। कितना एग्जाम क्वालिफाई किए सर? 4-5। बहुत बहुत इच्छा है हर साल। चलिए, हमारे साथ एक ऐसे लोग मिले जो कि बहुत पुराने से एग्जाम देते हुए आ रहे हैं और अपने इच्छा के अनुसार एग्जाम देते हैं। तो फिलहाल इतना ही।